रुको जरा, सबर करो। गाड़ी स्टार्ट कर। पहले जा भोसड़ी के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10-15 वर्ग बिखरतियां देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की चबलियां शुरू की जाए। ओ भाई ही यार, पहले मुझको ये बताओ कि ये लोग सिम कहाँ लेके जा रहे हैं, इनको कौन सी ज़रूरत पड़ गई है। लगता है मोबाइल तो ले लिया है, एक दूसरे को कॉल करके बताएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा माल है, सब लोग आ जाओ, यहाँ पर हमला करते हैं। लेकिन शायद बाद में पता चला है कि भाई सिर्फ मोबाइल से बात नहीं होती है, बल्कि सिम भी ज़रूरी है। चलो अब मोबाइल ले लिया है तो सिम भी चुरा लेते हैं, क्योंकि कॉल तो करनी है। क्योंकि इतफाक में बरकत है, और ये बात जानवर को तो पता है कि इतफाक में बरकत है, ताकत है, लेकिन इंसान नहीं जानता है कि इसलिए वो इत्तेफाक नहीं बल्कि नफाक पैदा करता है। बात सही है। है वो यह दरख्त चढ़ने का कोई नवा तरीका है, या उन्हें जिद लाई सी, मैं दरख्त चढ़ना है, दरख्त चढ़ना है, दरख्त चढ़ना दी एडी बड़ी सजा। उसके साथ सच में मोय मोय हो गया, नीचे से हाथ डलवा कर सीधा दरख्त पे ही लटका दिया। हूँ बेचारी न उत्ते जा सकती है, न तले आ सकती है, बल्कि दरख्त विचकार ही लटक गई है। अब या तो दरख्त टूट के तले आएगा, या उसकी बाहें टूट के तले आएंगी। वैसे ये पोज देखकर गलत सोच आ गई, सामने जाकर देखा तो ये दरख्त के दरमियान लटक गई। ओए फिक्र मत करो, चोली के पीछे कुछ भी नहीं है। वैसे जब मैंने पहली बार देखा तो लगा जैसे कि ये उर्फी जावेद है, लेकिन और से देखा तो समझ में आया ये तो कृति सुनन है। लगता है ये उर्फी जावेद से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड से ज्यादा उर्फी जावेद अपनी हरकतों की वजह से मशहूर है। तो फिर इसने सोचा कि बॉलीवुड का क्या करना है, जब इस तरह के कपड़े डालकर फेम मशहूर हुआ जा सकता है। क्योंकि हमारा जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, फेम होना है, मशहूर होना है, पैसे कमाना है। अब इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। उर्फी जावेद ने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियों को खराब किया हुआ है। उर्फी जावेद से याद आया, जरा ये चेक करो। ग्लव्स मैं पहनती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ ग्लव्स ना। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूँगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और पहन भी लूंगी। अरे खतरनाक लव इस तरह से बुरका करके बाहर आने की ऐसी क्या मजबूरी थी, जब सब कुछ दिखाना ही था तो ये भी नहीं डाल के आना था, ऐसी बार आ जाना था। असल में इन्होंने पर्दे को एक फैशन बना लिया है कि पर्दा भी हो जाए और बिखरती भी हो जाए। ऐसा पर्दे का क्या फायदा जब पर्दे में पर्दा ही ना रहे बल्कि सब कुछ चीज जाहिर हो जाए। चीज बताओ मैम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है? ऊपर ऊपर से करूंगा। सच में आपको बोला है क्या? तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा तो हमारे पास एक बॉयफ्रेंड है जो भी बिखरता है, जो कहता है ऊपर ऊपर से करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनाने की ऐसी मजबूरी कौन सी थी, मजबूरी थी या बिखरती थी? और ये बॉयफ्रेंड बनाने वाली बिखरती बिखरती है, जो कि तेजी से फैलती जा रही है, और ये वहाँ पर ज्यादा फैल रही है जहाँ लोग इल्म सीखने जाते हैं यूनिवर्सिटियों में। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। नहीं वैसे अब ये क्या है, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं या बिखरती करने के लिए आए हैं, या फिर इन्होंने बारिश पहली बार देखी है? वैसे हम लोग खुश नसीब हैं जो इस तरह के बच्चे देखने को मिल रहे हैं, वरना आम तौर पर डॉक्टर पहले ही एक्सरे करके बता देते हैं कि इसके आने का मकसद सिर्फ यहाँ पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना है। ऊपर ऊपर से करूंगा। वैसे ऊपर ऊपर से करने वाली भी बहुत सी बिखरतियाँ मिल जाती हैं। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से बस ऊपर से करूंगा। करां दफा हो मैं उत्ते जान दे।
ओए होए क्या पोस्ट किया है, लेकिन अब दोबारा पोस्ट मत करना है। क्या एक्टिंग हो रही है, शाहरुख खान एक्टिंग का बादशाह है, लेकिन ये लगता है बगैर कॉन्डम का कोई हादसा है। बहुत ही कमजोर लेग पीस है, लगता है पोलियो हो गया है। वैसे आप लोगों ने एक बार नोटिस किया है? नहीं। मैं आपको करवा देता हूँ, जरा चेक करो। जो उसके पीछे से मोबाइल उठा कर नीचे फेंका है, वो मोबाइल मोबाइल नहीं है, बल्कि मोबाइल का सिर्फ एक कवर है, क्योंकि एक रील के लिए मोबाइल थोड़ी तोड़ना था। क्या ये बात है, अरे खतरनाक लग रहे क्या। ये अल्लाह को मानने और अल्लाह से मांगने का कौन सा तरीका है? एक तो तुमने पीछे से बैकग्राउंड में नात लगाई हुई है, और अब सामने अपनी हरकतें जरा चेक करो। आधे कपड़े डालकर तुमने ठुमके लगाने शुरू कर दिए हैं। या तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि नमाज और दुआ के जरिए अल्लाह से मांगते हैं। जो तुम बैकग्राउंड में नात लगाकर ठुमके लगाकर दुआ कर रही हो, ये अल्लाह को राजी कर रही हो, ये ठरकियों को राजी कर रही हो। वैसे यार बिखरती की इंतहा है। असल में ये लोग भूल गए हैं कि एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, और आखिरत हमारे लिए मुंतजर है, और हमें हिसाब किताब देना है। अल्लाह माफ कर। इसके काम चेक करो, शायद बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने गई है, लेकिन फिर याद आया खाना तो खा लेंगे हैं, लेकिन पहले बिगड़ती होनी चाहिए, और फिर शुरू कर दिए। वो बेचारे पीछे खड़े हो गए कि भाई पहले इसको बिगड़ती करने दो, पहले नाच करने दो, पहले इसको अपना मुजरा पूरा करने दो, फिर हम जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे आजकल की जनरेशन को बिगाड़ने में लड़कियों का ज्यादा हाथ है। एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं यकीन हो रहा, जरा खुद देख लो। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियाँ खराब करती हैं। मेरे साथ टाइम मत लो, मेरे साथ आप खुल सकते हो, क्योंकि मैं भी खुली हुई हूँ। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना था, सो डोंट गेट एनी हेयर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।